जो उत्तर प्रदेश पुलिस समाज में मौजूद महिलाओं की सुरक्षा का वादा करती है, उनकी सुरक्षा में खुद को न्योछावर तक कर डालने की बात तक कहती है, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि ये वादे सिर्फ वादे ही बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तो महिलाओं को तो पुलिस से भी खतरा नजर आ रहा है। जी हाँ, ये ताजा मामला हमीरपुर जिले का है, जहां एक महिला दरोगा ने एसपी के स्टेनो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जमकर गालियां दी जा रही हैं। इस ऑडियो में महिला दरोगा गालियों से आहत होकर फूट फूट कर रोती हुई सुनाई दे रही है। एक अन्य ऑडियो में स्टेनो ने स्वीकारा है कि वायरल वीडियो में आवाज उसी की है। मामला संज्ञान में आने के बाद अफसरों ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक एसपी के स्टेनो संतोष कुमार ने मोबाइल से महिला दरोगा स्वीता सरोज को गालियां देने में सारी हदें पार कर दी। राट कोतवाली में तैनात महिला दरोगा इतनी भद्दी भद्दी गालियां सुनकर फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी, जिसे पूरे वाकये का ऑडियो क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद महिला दरोगा ने एसपी को अपना शिकायत पत्र भी सौंपा है। इसी के साथ आपको बता दें कि पीड़ित महिला दरोगा ने शिकायत पत्र में यह कहा है कि स्टेनो संतोष हमेशा उसे गाली देकर बात करते हैं। इसके साथ ही स्टेनो का कहना है कि अगर यहाँ रहना है तो उसको जो वो कहता है वो करना पड़ेगा। बड़ी बात तो यह भी है कि स्टेनो महिला दरोगा पर नाजायज संबंध बनाने का दबाव तक बनाता है। पिछले साल जब दिसंबर में वो राट कोतवाली आए तो उन्होंने महिला दरोगा के साथ छेड़खानी भी की थी, जिसके बाद शुक्रवार को महिला दरोगा शहर आई और एसपी से उनके कार्यालय में मिलकर ऑडियो की रिकॉर्डिंग उन्हें सौंप के कार्रवाई की मांग की। आइए जरा आप भी इस ऑडियो क्लिप को सुने और खुद अंदाजा लगाएं कि अब उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में भी महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। तो सुना आपने किस तरह से कथित तौर पर स्टेनो संतोष कुमार ने भद्दी भद्दी गालियां देकर महिला का निरादर किया। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य ऑडियो में स्टेनो ने इस बात को स्वीकारा है कि वायरल ऑडियो क्लिप में आवाज उसी की है, जिसके बाद एसपी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच एएसपी अनूप कुमार को दी गई है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई कर महिला दरोगा को इंसाफ जरूर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए किस तरह से हैवान लोग जहां होते हैं वहां गंदगी फैलाते हैं और पूरे महकमे को बदनाम करते हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस स्टेनो संतोष कुमार की इस घटिया हरकत की उसे क्या सजा मिलने चाहिए, इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।